हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आईआईटी जेम 2019 से कुछ क्वेश्चंस जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चंस है, द रिलेशन बिटवीन द न्यूक्लियर रेडियस आर एंड मास नंबर ए इज गिवन बाय आर बराबर 1.2 ए की पावर 1/3 इंप्लाइज डेट। ये पूछा था कि किसी समय पर रेडियस आर में और ए किसी समय पर मास नंबर में रिलेशन है दिस वन, और इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। तो इसका हमें कैसे तरीका से कैलकुलेशन दें कि आर की वैल्यू हमारी आर नॉट ए की पावर 1/3 होती है। आर नॉट यहाँ पे 1.2 है फर्मी, आर जो है किसी समय पर न्यूक्लियस की रेडियस है, और वन फर्मी में हम जानते हैं 10^-15 मीटर होते हैं। उसके बाद हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें किसी समय पर रेडियस के करस्पॉन्डिंग, तो न्यूक्लियस अप्रॉक्स जो स्पेरिकल शेप का होता है तो वॉल्यूम होता है किसी समय पर न्यूक्लियस का 4/3 πr³। तो आर की जगह पर वैल्यू रख दें आर नॉट ए की पावर 1/3, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3 πr³ × a। उसके बाद वॉल्यूम अपॉन ए डिवाइड कर लें वॉल्यूम को ए से, जो ए है वो मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4/3 πr³ वैल्यू आ जाएगी। इस आर नॉट की वैल्यू को 1.2 फर्मी वैल्यू पुट कर दें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू एक कांस्टेंट होगी। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो कांस्टेंट है, और ये किसी समय पर बी आंसर था कि वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट होगी, तो बी आंसर हमें इसमें मार्क करके आना था। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है जो इसमें मैंने डिस्कस किया है वो कोरोली फोर्स पे है। Consider an object moving with a velocity v in a frame of reference which rotates with a constant angular velocity omega. Then the Coriolis force experienced by the object is. तो Coriolis force का किसी समय पे अगर rotation motion हो रही है frame of reference की omega angular velocity से, और अगर कोई particle velocity v से enter करता है तो Coriolis force उस पर काम करता है fc बराबर -2m omega cross v। जब हम ये Coriolis force की value देखेंगे तो ये किसी समय Coriolis force जो काम करेगा वो omega और v किसी समय इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, तो ये एफ जो है परपेंडिकुलर होगा ओमेगा और वी के, और ये आंसर हमारे सी मार्क करके आना था। तो ये दो क्वेश्चन थे जो मैंने डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। कंसीडर ए क्लासिकल पार्टिकल सब्जेक्टेड टू एन अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड, द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ई एंड इसेंट्रिसिटी ई, द पार्टिकल विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ इफ। मैंने बहुत सारी वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी मेरी वीडियोज में जो मैंने डाल रखी थी, उनसे क्वेश्चन थे सारे। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है 1+2EL² / mk² ½। ये यहाँ पे ये इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ई एनर्जी को, एल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को, एम मास को, और जो फोर्स में -k/r² होता है, के जो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है वो के होता है। उसके बाद हम क्या करें कि पैराबोला के लिए हम जानते हैं किसी समय पर एनर्जी जीरो होती है पैराबोलिक पाथ में, तो ई को जीरो पुट करें यहाँ तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमें इसमें आंसर मार्क करना था ई बराबर 0, एनर्जी 0 होगी पैराबोला पाथ में और इसेंट्रिसिटी 1 होगी, तो आंसर सी हमें इसमें मार्क करना था। उसके अलावा ये तीनों चीजें मैं फिर से डिस्कस किए दे रहा हूँ। हाइपरबोला में एनर्जी पॉजिटिव रहती है सदा और इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। इलिप्स के अंदर एनर्जी नेगेटिव होती है और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और सर्किल के अंदर जो एनर्जी है वो लेस देन 0 होती है और इसेंट्रिसिटी 0 होती है। तो ये सब चीजें तैयार रखें, फिर से क्वेश्चन आएगा कंपटीशन की दुनिया में, यहाँ से लगातार क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन में इसमें मेरे हिसाब से रॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपने भी विचार व्यक्त करें इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पूछा गया था आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो करेक्ट हैं, और हमें मार्क केवल एक करना था कि नेट चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जब हम कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं तो कंडक्टर की सदा जो सरफेस के ऊपर सदा चार्ज रिसाइड करता है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर ही जीरो रहता है, तो ये अल्टरनेट भी सही है। जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये अल्टरनेट भी सही है क्योंकि किसी समय पे आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो सदा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो ये तीनों अल्टरनेट इसमें सही है। कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, कंडक्टर के अंदर ई जीरो होता है और वी जो अंदर किसी समय पर वो कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये किसी समय पर जो इसका आंसर है, क्योंकि तीन करेक्ट आंसर कंफर्मली सही है, तो इसका कोई भी आंसर मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो अपने विचार व्यक्त करें इस क्वेश्चन के ऊपर, मेरे हिसाब से आंसर रॉन्ग क्वेश्चन में जाएगा और हो सकता है इसका बोनस मार्क सबको मिल जाए, सभी स्टूडेंट्स को। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, अपने कमेंट देते रहें और कमेंट पर शालीनता बढ़ते हैं। अगर कहीं कोई लगता है डिस्क्रिपेंसी है और किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मार्क कर दें, मैं आगे मॉडिफाइड सोल्यूशन में उसको करेक्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बेस्ट विशेज, थैंक यू।